वेलकम टू आवर लेटेस्ट सेगमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बस। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में। इश्क मुर्शिद ड्रामा इज ट्रेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर इट्स एपिक लव स्टोरी एंड मॉडर्न अप्रोच। द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ शिब्रा एंड फजल बख्श मूव फॉरवर्ड इन अ परफेक्ट सेटिंग। फजल बख्श गॉट अ रियलिटी चेक फ्रॉम सुलेमान साहब। सुलेमान साहब ने फजल बख्श को थप्पड़ रिसीव करा के उसे उसकी औकात याद दिला दी। दूसरी तरफ महरीन ने भी फजल बख्श को पहचान लिया और शामीर सिकंदर को खेल खत्म करने को कहा। महरीन ने शामीर से कहा कि अगर शिब्रा ने सच जान के उसको ठुकरा दिया तो फिर वो उसके पास नहीं जाएगा और हमेशा के लिए महरीन का हो जाएगा। अब देखना ये है कि शामीर शिब्रा को कैसे सच बताएगा और क्या शिब्रा उसे अपनाएगी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, अ कुर्ता दैट पुट्स अ वुमेन्स लाइफ इन डेंजर। एक औरत को अवाम ने घेर लिया क्योंकि उसने अरेबिक लेटर्स का कुर्ता पहना हुआ था। लोगों ने लेटर्स को कुरानिक आयत समझा और उस औरत को हरासा किया। पुलिस एसपी शहरबानो ने औरत को झुंड से निकाला और मामले को रफा दफा किया। सेलिब्रिटीज लाइक गोहर मिर्जा, सजल अली गेव अ ह्यूज शाउट आउट टू एसपी शहरबानो फॉर हर ब्रेवरी एंड सेविंग द वुमन। द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज सबा फैसल। सबा फैसल गलत बात सुनकर हुई हैरान। एक मैगजीन ने सबा फैसल के बारे में कहा है कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि आई स्टिल रिसीव मैसेजेस फ्रॉम यंगर बॉयज ऑफ 22। इवन एट दिस एज दे से वी कैन लीव एनीथिंग फॉर यू एंड वी वांट टू प्रपोज यू। जबकि दूसरी तरफ सबा फैसल ने इस बात को रद्द किया और कहा कि मैंने किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं कहा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, जिसमें हम बात करेंगे गोहर मुमताज के बारे में। गोहर मुमताज ने किया खुलासा फरहान सईद का जल बैंड छोड़ने का। जल बैंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड ऑफ पाकिस्तान which led to singers like Atif Aslam and Farhan Saeed. The band got its fame through the single Aadat. Gohar Mumtaz ne band toodne ki wajah bata di. Unhone kaha ki Farhan Saeed ko bhi Atif Aslam ki tarah Bollywood mein jana tha. The next on our list is Babar Azam. Babar Azam ko mila century ka tohfa. Peshawar Zalmi ke owner Javed Afridi ne gift ki Babar Azam ko brand new MG for scoring a century and winning the match. अपनी इस कामयाबी की वजह से बाबर आजम ने अपनी अम्मी की मौजूदगी का बताया। उन्होंने कहा कि आज पहली दफा उनकी अम्मी मैच देखने आई है एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, गुड न्यूज फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला जिनकी डेथ की खबर ने पूरी दुनिया को उदास कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला मदर चरण कौर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ चाइल्ड। द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज पंकज उदास। द इंडियन सिंगर पंकज उदास डाइड एट द एज ऑफ 72। शाहरुख खान ने रईस फिल्म की प्रमोशन के वक्त बताया था कि उन्होंने पंकज उदास के कॉन्सर्ट पे एज एन अटेंडेंट काम किया और 50 रुपए कमाए थे। शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है, अपना स्ट्रगलिंग फेज दोहराते हुए ना घबराए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।